बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को हर नागहानी आफत बीमारी परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फूड का व्लॉग। और ये हम लोग खाने गए थे जो शारजा में लोकेटेड है, ये राजस्थानी रेस्टोरेंट है। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट कुजीन ट्राई करने का दिल चाह रहा था, तो इस वजह से हम लोग इस रेस्टोरेंट में चले गए। और ये मोहिला एरिया जो है वहाँ पर लोकेटेड है, जो कि सारा का सारा जहाँ पे स्कूल्स बने हुए हैं तो वहाँ पे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और बहुत अच्छा था। अभी आगे चल के देखिएगा, क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ पे थाली जो है वो सर्व होती है। तो ये देखिए, ये थाली रखी हुई थी और मतलब हम लोगों ने इस तरह से ट्राई नहीं किया था, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलें हम लोग आज ये ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो कुछ इसके साथ म्यूज़िक जो है वो प्ले करने लग गया था, इन बाउल्स के साथ जो स्टील्स की बाउल थी। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट था तो इस वजह से हमें अच्छा लगा। तो जी, यहाँ पर हो गया था फूड सर्व करने का टाइम। तो अब यहाँ पे जो ये सर्व कर रहे हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो चटनी है। इसमें एक लहसुन की चटनी है और एक जो है मीठी चटनी है और एक जो मिंट की चटनी होती है वो सर्व कर रहे हैं। इसके बाद जी आ गया है ढोकला और ये है कचौरी, बहुत थोड़ा थोड़ा पोर्शन था। और ये एटलीस्ट जो है 29 दरहम की पर पर्सन है ये थाली, जो कि इन्होंने अच्छा अब इसके बाद इन्होंने, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो करी और जो है ये सर्व कर रहे हैं। एक में पनीर की सब्ज़ी है, एक में कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी है, एक में ओकरा की है, भिंडी की भिंडी मसाला है, ओकरा मसाला है। इसके अलावा इसमें कढ़ी सर्व करी है और पनीर की सब्ज़ी, ये देखिए पनीर की सब्ज़ी डालने, मतलब डिफरेंट तरह के जो है वो थे। तो टेस्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट मिर्चें बहुत थी। ये देखिए, ये भिंडी है, ये कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी है, ये पनीर मसाला है, ये कचौरी है। इसके बाद ये इन्होंने रोटियां सर्व करी हैं, जो कि बहुत थोड़ी सी छोटी छोटी सी ये हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो घी डाल के जो है सर्व करे थे। इट्स अप टू यू कि अगर आप डालना चाह रहे हैं तो आप डलवा लें। और इसके अलावा इसमें इन्होंने ये कढ़ी सर्व करी है और दाल। इसके बाद आ गई थी छोटी छोटी सी पूरियाँ और ये पूरी इन्होंने सर्व करी है। और इसका ये था कि जो आपका ख़त्म होता जा रहा था, मतलब आप जो ट्राई कर रहे थे, अगर आपको और चाहिए तो आप और ले सकते थे। अच्छा जी, ये इनका घेवर और ये है स्वीट था, मोतीचूर के लड्डू हैं और ये घेवर था। तो इसका टेस्ट भी अच्छा था, मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई किया है तो अच्छा था। ये जस्ट लाइक बादूशाही, जिस तरह की होती है ना बादूशाही पाकिस्तानी कुजीन में जो स्वीट्स होती हैं, उसकी तरह का टेस्ट था इसका। और मैं ये ट्राई कर रही हूँ, ये भी अच्छा था। ये दही के साथ उन्होंने जो है पापड़ी चाट टाइप की इन्होंने सर्व करी थी। क्वांटिटी बहुत छोटे छोटे से प्यालों में इन्होंने सर्व करी हुई थी, जब भी तो ये कहलाती है कि राजस्थानी थाली। और यहाँ पे भी ये है ढोकला, जो कहलाता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, बड़ा स्पंजी सा होता है। ये भी बड़ा अच्छा बना हुआ था, ये स्वीट टाइप का था, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा सा, हल्का सा इस तरह से टेस्ट था, लेकिन अच्छा था ये भी। और बस हम सब लोग इंजॉय कर रहे थे बैठ के। ये जी आ गई पूरी दोबारा से,
और इसके अलावा इसके बाद इन्होंने जो है वो बाजरे की रोटी भी इन्होंने सर्व करी थी। और ये थाली जो है ये पर पर्सन जो है ये 29 धर्म की थी। और बट ये है, इन्होंने हमें पहले बताया नहीं, इन्होंने कहा कि पर थाली 29 धर्म की, इन्होंने ये नहीं बताया कि शेयरिंग अलाउ नहीं है। तो हमने मंगवाई, वैसे हमने दो थालियाँ थी तो हमें नहीं पता था कि पर पर्सन ही लेना था। तो जब हम बिल पे करने लगे तो ये इन्होंने बाद में बताया, जो कि हमें थोड़ी सी बात ये गलत लगी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल खाना फिर भी अच्छा था, बट थोड़ा स्पाइसी था, स्पाइसी की तरफ ज़्यादा था। अच्छा, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बाजरे की जो रोटी होती है वो भी इन्होंने सर्व करी थी। तो वो भी छोटी छोटी सी क्वांटिटी थी, दो रोटियाँ इन्होंने सर्व करी थी, बाजरे की रोटी, ये पूरी थी और रोटी थी। और ये जो मैं आपको क्वांटिटी दिखा रही हूँ, जो ये इतनी ही क्वांटिटी में आया था, इतनी ही क्वांटिटी में था, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा था। तो मतलब टेस्ट करें आप और जो अच्छा लगे तो आप दोबारा मंगवा लीजिए। तो अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था, यानी अगर पर पर्सन देखा जाए तो पर पर्सन के लिए ये इनफ था। पर पर्सन आराम से जो है उसका पेट भर सकता था। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने खिचड़ी सर्व करी है और राइस सर्व किए हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, और जो आजकल ये सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उन सब में अपने ख़ास लोगों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।